माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से सदन के अंदर कितनी बड़ी बात निकली थी जो पूरा देश शर्मसार हुआ था। किसी सदस्य की आप सदस्यता रद्द करते हैं, आप उसको सस्पेंड कर दीजिए, एक सदन में नहीं आएगा, दूसरे सत्र में नहीं आएगा, इस तरह का होना चाहिए। सदस्यता रद्द करना मुझे कहीं से उचित नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी कितने सीनियर आदमी हैं और अध्यक्ष के कुर्सी पे बैठ के विधायकों को तुम ताम कहना, धमकी भरे लहजों में कहना कि हम बता देंगे, देख लो। राजनीति सेवा की भावना से डाइवर्ट हो गया, बदले की भावना आ गई। लोकतंत्र में अगर बदले की भावना आएगी तो कभी भी राज्य या देश तरक्की नहीं कर सकता। रेलवे स्टेशन पे कोई वर्दीधारी किसी को मार के पेट फाड़ देना और बड़ी अधिकारी के द्वारा उसको लाइन हाजिर कर देना, सस्पेंड करना, ये अपराध, इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है। बिहार के तमाम माननीय सदस्य जो विभागों को पत्र लिखते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ये पत्र का क्या कीमत है, वो सड़कें बनेंगी नहीं बनेंगी, इस सब पे कोई चर्चा नहीं करता है। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री कुमार सुरजीत हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। कुमार सुरजीत जी, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सियासत बिहार की तेज है, आपकी पार्टी के MLC थे सुनील सिंह, उनकी सदस्यता खत्म हो गई है, कैसे देख रहे हैं और क्या कहिए? मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ राय है। देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी नेता अपनी उम्र की 90% जो दिन होता है ना, वो जन सेवा में लगाता है। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से कहिए राजनीति सेवा की भावना से डाइवर्ट हो गया, बदले की भावना आ गई। लोकतंत्र में अगर बदले की भावना आएगी तो कभी भी राज्य या देश तरक्की नहीं कर सकता है। सदन के अंदर ये कोई नई घटना नहीं है। 2009 में मैं MLA था, उस समय भी विधानसभा के जो मुख्य गेट था उसमें भी हम लोगों के द्वारा ताला मार दिया गया था। तो या तो आप किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का अगर पार्टी में है और ये सोच करके अगर पनिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत नहीं है और इससे बिहार तरक्की नहीं हो सकता है ना, बिहार तरक्की नहीं कर पाएगा। ये एक कोई दो घटना नहीं है, कई घटना हुए हैं। आप दोनों सदनों का कार्रवाई का फुटेज निकालिए, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कई घटनाएं सदन के अंदर होती रहती है, लेकिन है वो लोकतंत्र का मंदिर। मुझे लगता है कि सुनील जी को मौका देना चाहिए था, और अगर किसी भी लीडरों को, किसी भी नेता को अगर उनकी वाणी से ठेस पहुंचता है तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि क्षमा मांगी जाती है। और इंसान ही होता है ना कोई व्यक्ति, हम नेता हो गए तो हम कोई भगवान नहीं होगा ना कि मेरे मुंह से हमेशा अच्छा ही बात निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से सदन के अंदर कितनी बड़ी बात निकली थी जो पूरा देश शर्मसार हुआ था। महिलाएं जो हैं तार तार हो गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं सदन में कहा था कि भाई हमारे से गलती हो गई। तो मुझे लगता है कि ये परंपरा अच्छी नहीं है, और आने वाला समय, चूंकि सत्ता तो किसी की खरीदी हुई चीज़ नहीं होती है ना, ये तो जनता मैंडेट देता है, आज आप हैं कल नहीं रहेंगे, तो मेरी विनती यही रहेगी कि आने वाला समय में इस तरह की परंपरा नहीं हो, इससे लोग आहत होते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि किसानों की बात कम होती है, युवाओं की बात कम होती है, तरक्की की बात कम होती है। आप यही नहीं देखेंगे, बिहार के तमाम माननीय सदस्य जो विभागों को पत्र लिखते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ये पत्र का क्या कीमत है, वो सड़कें बनेंगी नहीं बनेंगी, इस सब पे कोई चर्चा नहीं करता है। कभी कहेगा सुनील जी ने ऐसा कह दिया, कभी बोलेगा RJD ऐसा था, कभी बोलेगा भाजपा ऐसा था। नफरत तो लोकतंत्र में नफरतों की कहीं स्थान नहीं होती है। माना जाए विपक्षों की आवाज़ को दबाया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, ये शुरुआत हो चुकी है। और आप देखे होंगे बिहार विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी कितने सीनियर आदमी हैं और अध्यक्ष के कुर्सी पे बैठ के विधायकों को तुम ताम कहना,
धमकी भरे लहजों में कहना कि हम बता देंगे, देख लो। देखिए, अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है ना, बड़ी सरलता से होता है, और हमेशा से ये परंपरा रहा है कि अध्यक्ष वही होते हैं जो बड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, और उनकी जो टंक होती है ना, उसमें साक्षात सरस्वती निकलती है कि भाई माननीय सदस्य ऐसा नहीं करें, बेल में जाएं। हाउस को ऑर्डर मिलना किसकी जिम्मेवारी है? अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। हम नेता हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, लोग नाराज़ होते हैं तो जाके मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मतलब ये हमारी इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो परंपरा जो है बिल्कुल बदलाव हो रहा है, ये बिहार के लिए अच्छा संकेत नहीं है, और या किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा ये संकेत नहीं है। और सुनील जी की के साथ जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मसार है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी सदस्य की आप सदस्यता रद्द करते हैं, आप उसको सस्पेंड कर दीजिए, एक सदन में नहीं आएगा, दूसरे सत्र में नहीं आएगा, इस तरह का होना चाहिए। सदस्यता रद्द करना मुझे कहीं से उचित नहीं लगता है। सवाल रहेगा आपसे कुमार सरोजी जी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे जब आपकी सरकार थी, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से तस्वीर सामने निकल के आ रही है, एनडीए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्णिया से तस्वीर सामने निकल के आई है जहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति की पुलिस के द्वारा पिटाई की गई, जिसके बाद जो उसका पेट है वो कहीं ना कहीं फट गया। आपके नेता ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी साझा की। मेरा देखिए, मेरा एक जो मेरे अंदर जो तकलीफ है कि नेता और अधिकारी दोनों में संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की एक कीमत होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि गलती से भी अगर कोई बिहार का एक MLA निर्दोष व्यक्ति के लिए थाना में अगर फ़ोन कर देगा, वह निर्दोष व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। तो क्राइम कब रुकता है? क्राइम तभी रुकेगा जब नेता, तब लोकतंत्र में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका और थाना का आपस में तालमेल होना चाहिए। जब तालमेल होगा तो आपरूपी जो है घटनाएं पर अंकुश लगेगा। लेकिन इतनी तानाशाह है भैया, मैंने कभी नहीं देखा। और यही वजह है कि अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं, चूँकि आज के डेट में थाना को कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारियों को सहयोग करना नहीं चाहता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की कोई कीमत नहीं है इस राज्य में। तो अगर जनप्रतिनिधियों की कीमत नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि कोई जनता, कोई नेता पुलिस अधिकारी को सहयोग नहीं करेगा। अन्यथा जब तालमेल होता है तो नेताओं के पास भी बहुत सारे इन्फॉर्मर होते हैं, वो कोई ना कोई सूचना देता है कि देखिए विधायक जी, सांसद जी, हमारे इलाका में ये क्रिमिनल आ गया है, ये ऐसा है। तो थानाओं को सूचना देने से अब लोग बचते हैं, नहीं करते हैं, तालमेल नहीं है, और ये संकेत अच्छी नहीं है। अगर इस चीज़ पे सही समय पे अंकुश नहीं लगाया गया, अपराध के ग्राफ बढ़ेंगे, चाहे जिसकी भी सरकार हो। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप कम से कम इस बात को समझिए, और तालमेल, नेता और पुलिस अधिकारियों की तालमेल स्थापित करने का प्रयास कराइए। हर व्यक्ति बिहार की तरक्की पे अपना जो है अच्छा सोच रखता है, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाना। अब बताइए, रेलवे स्टेशन पे कोई वर्दीधारी किसी को मार के पेट फाड़ देना, और बड़ी अधिकारी के द्वारा उसको लाइन हाजिर कर देना, सस्पेंड करना, ये अपराध, इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है। जब इस तरह की घटना हुई, तुरंत उसको अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए, स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। तो जनता पे सबसे ज़्यादा अगर कोई आज के डेट में प्रहार कर रहा है
तो वो पुलिस स्टेशन कर रही है। देखिए जनता पर आज अगर कोई प्रहार कर रहा है तो वो है बस एक पुलिस स्टेशन। ऐसे में नेताओं और पुलिसों के बीच तालमेल सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिहार में बिल्कुल नहीं है। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री कुमार सुरजीत थे, जिस तरीके से राजद MLC सुनील सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे, या साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि सुनील सिंह को देखते हुए एक मौका देने की ज़रूरत थी। ऐसे में ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। लगातार विपक्षों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है NDA सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में सुनील सिंह को माफ़ी का एक मौका देना चाहिए। तो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह साफ कहा है कुमार सुरजीत जी ने कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं सुधारना चाहिए सरकार को। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे पर हमारे सहयोगी विकास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।